सम्मान योग गुरु सवारियो, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख की अपार बख्शिश कृपा नाल गुरु दियां कथा कहानियां करन लई, सरवण करन लई, विचारन लई, एक दूजे नाल सांझ पाउण लई सानू SMC गुरमुख क्लास USA विच इकट्ठे होण दा समां मिलदा है। अज दी गुरमुख क्लास विच आप सारिआं नूं जी आया, सारिआं दा स्वागत है। हर सोमवार की तरह अज का साडा सैशन भी सवाल जवाब का सैशन होएगा। जिहड़े सवाल आप जी भेजते हो पैनल मैंबर उन्हां बारे विचार करके जो सांझी राय बनती है उहदा जवाब आप जी सांझा करते हैं। साडे जवाब के आधार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, पंथ प्रवान सिख रहत मर्यादा, गुर इतिहास जो वख वख प्रमाणिक विद्वाना वालों लिखा जा मनिया जाता है, महान कोश, गुरु ग्रंथ साहिब जी दर्पण, ऐसा पुस्तक हम जिन्हों तो असी सहायता लैके आप जी के नाल विचार करते हाँ। होर भी अनेक पुस्तक ये भी शामिल हैं, पर जरूरी नहीं है कि इन्होंने पुस्तकों में लिखे हुए जवाब भी 100% ठीक ही हो। कई बार महान कोश विचों भी किसी गल की स्पष्टता नहीं होंगी, जिमें अज का एक सवाल हमने ही क्लास में किया है वीर जी ने, वो विचार असं फिर करा, तो वो बारे भी सानू बैठ के विचार करने की होर लोड़ है ताकि पंथक तौर पर कुछ फैसले किए जा सकन। जिन्नी समझ सानू गुरु पातशाह ने बख्श की है वो मुताबक असं जवाब आप जी साझा कर देंगे हाँ। आप जी ने कुछ तसली ना हो दोबारा भी सवाल पूछ सकते हो, चैट में जाके भी बाद भी गल कर सकते हो। आस करते हैं कि आप जी जो भी सवाल साढ़े सांझे करते हो असी कोशिश करिए उन्होंने जवाब गुरमर्यादा अनुसार आप जी दे सकी। गुरु अगर बेनती अरदास प्रार्थना भी है, तो ये सवाल जवाब के सैशन की सेवा वीर जी राजा सिंह जी निभा रहे हैं। मैं उन्होंने बेनती करता हाँ अज का यह सवाल जवाब का सैशन शुरू कर। वीर राजा सिंह जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्यों का सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मूरत अजूनी प्रसाद। वाहिगुरु वाहगुरु 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 वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत नूं जीओ आया। तो पैनल आप जी वालों भेजे जो सवाल ने उन्हां बारे विचार प्रंदा करके आप जी की सेवा च हाजिर है, और सारे वीर भैणा पहले आप नाल फतेह दी सांझ करनगे जी, फिर आपां सवाल एक एक करके लवांगे। हाँ जी सर, तजिंदर सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी मनिंदर कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह सा MP सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह सा प्रभकीर्तन सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। फतेह सा किकर सिंह जी। किकर सिंह जी अनम्यूट कर लो जी, थोड़ा म्यूटेड है। हां जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सा हरजीत सिंह जी तुहाडे सामने हाजिर ने, फतेह पहले सांझी कीती उन्होंने। तो आओ सतसंगियो, सवाल जो आप जी ने भेजे हैं वख वख विषयां दे, तो उन्हां च सब तो पहला सवाल जो आपां लै रहे हैं जी, वो है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिस वेले असीं सहज पाठ करते हैं या कीर्तन सुनते हाँ, तो उहदे च सानूं इह दिसदा है वी बहुत सारियां जिहड़ियां बोलियां ने उन्हां दा विच वरतों कीती। तो सवालकर्ता ने पुछिया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच किन्नियां बोलियां च बाणी दर्ज है। तो इहदे उत्तर लई मैं बेनती कर रहा भैण मनिंदर कौर जी नूं कि उह कृपा करके दसो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी विच कितनियां बोलियां दर्ज हन। हांजी भैण मनिंदर कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिने वीर जी ने दस्या ही है कि सवाल है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कितनियां बोलियां विच है,
ते सब तो पहला ता ए समझन लई कि बोली ते भाषा समान अर्थक शब्द हन। गुरबानी विच वरती गई मुख बोली पंजाबी है। पंजाबी बोली सब तो पुरातन बोलियां चो एक है। जदों असी खोजी इतिहास देखदे हां तो एथों तक भी सिद्ध होंदा है कि पंजाबी संस्कृत तो भी पुरानी बोली है। ते जीवंदी जागदी कोई भी बोली प्रफुल्लित होंदी रहिंदी है, उस विच वाधे होंदे रहिंदे हन। ए जीवंदी जागदी बोली दी निशानी है। ते गुरु साहिब जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच फारसी राजस्थानी हरियाणवी मुल्तानी मराठी लहिंदी बोली संस्कृत खड़ी बोली सिंधी गाथा ब्रिज भाषा गुजराती डोंगरी उर्दू सहस्कृति इस तरह तकरीबन 15 तो वध बोलियां दी वरतों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच कीती है। पर सारियां बोलियां नूं लिखण लई पंजाबी लिपि दी वरतों कीती गई है। ते विद्वानां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बोलियां दी गिनती वख वख दसी है। जिन्हां दे असी नां लै हन उन्हां तो अलावा जे जो उप बोलियां दी गिनती करिए तां ए भी कई हन। समय नाल उप बोलियां नूं बोलियां भी कहन लग पैंदे हन। अज तो 50 साल पहला तक डोगरी ते पहाड़ी नूं पंजाबी दियां उप बोलियां कहा जांदा सी, पर हुण ए बोलियां कहियां जांदियां हन, क्लासीफाई कीतियां जांदियां हन। इसे तरह हरियाणवी पहला हिंदी दी उप बोली कही जांदी सी, हुण ए बोली जां भाषा ही कह दित्ती जांदी है। इसलई कोई एक गिनती दसनी मुश्किल है। ते गुरु साहिब अते भगत साहिबान ने जिन्हां नूं ओ उपदेश कर रहे हुंदे सन ओ भाषा वरती है जड़ी सुनन वाले लोकां दी समझ विच आवे उन्हां दी होवे। सो पूरी गिनती ते नहीं दित्ती है पर तकरीबन इन्हां भाषावां दी वरतों कीती गई है। जे किसे नू होर कोई जानकारी होवे ते अपने विचार सांझे कर सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गिनती तां नहीं दसी जा सकदी पर काफी बोलियां जिहड़ियां ने ओह वरतियां गईयां और वाधा घाटा बोलियां दे हिसाब नाल जिवें भैण जी ने दस्सिया। तो धन्नवाद है भैण जी आप जी दा। संगत जी मैं बेनती करदे हां कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और गुरु नानक मत विच काफी विलखणतावां जिहड़ियां दूजियां मतां च शायद नहीं। देखो ये जिथे अज जिहड़ा सवाल साडे कोल बोली दा आया कई मतां विच और अजे भी कई गल प्रचलित है कि उन्हां दे ख्याल दे मुताबिक फलानी भाषा जिहड़ी उह ज़्यादा वधिया है भाव पवित्र है दूजी भाषा नहीं। और कई तो ऐसा भी है कि खास बोली जिहड़ी उहदी भाषा सीगी या बोली सीगी उह छोटियां जातां वाले नूं पढ़न दी भी बनाई सी ਵੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਨੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਫਲਾਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲੋਂ ਦੱਸ ਜਾਏ ਜੂਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ।
और जीवन साडा सफल होएगा। कैप्टन मनिंदर कौर जी का धन्यवाद। तो संगत जी मैं सर सुरजीत सिंह जी अमृतसर उन्होंने बेनती है कि सनिचरवार उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा सीगा तो वो क्लीयर नहीं होया, कृपा करके तुसी ग्रुप चैट चैट पा दिओ जी, प्राइवेट चैट में, या फिर तुसी लिख के मैं वट्सएप पर भेज देना। धन्यवाद। तो आओ संगत जी अगला जो सवाल है वो है भी कई बार कई गल गुरबाणी तो चलो गुरु ग्रंथ साहब है असं पढ़ते हैं समझते हैं, परंतु कई बार इतिहास न संबंधित या कोई होर गल बाणी तो अलावा कोई कविता टाइप या कोई होर ऐसिया फ्रेज प्रचलित हो जाए, उन्होंने एक ऐसी प्रचलित जड़ियाँ तुकां ने वो है किसी की कंपोजिशन है पता नहीं कहती है, दौलत गुजरान है, इसी ईमान है, पुत्र निशान है। बी ये सवाल करता पुछते हैं भी क्या गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने यह जड़िया जड़े लफ्ज ने यह शाह दौला कहे जाते हैं किते सिन ता ये शब्द आया गुरु किसने उचारे हैं, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब जी दे शायद ना ही होंगे, किसने उचारे हैं, किसी कवि की उचारण है और ये अर्थ की है। ये मैं बेनती कर लगा वीर केकर सिंह जी को कृपा करके सानू ये बारे जानकारी देन। अनम्यूट कर लो वीर जी और जानी जानकारी दी। हाँ जी वीर जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। हाँ वीर जी, जो यदि बैकग्राउंड है गुजरात जो एरिया सी मतलब अणवंडे पंजाब तो पहला उहदे विच एक कोई शाह दौला नां दा जिहड़ा फकीर सी वह बड़ा प्रसिद्ध सी, लोकां दे विच काफ़ी वह हरमन प्यारा सी, उन्हें फकीर होने के बावजूद भी काफ़ी लोग भलाई के जड़े काम किए सन। मैं समझता भी वो कमां दी तां डिटेल देने की लोड़ नहीं, इस करके लोग उहदा बड़ा ना सत्कार करते सन। जदों गुरु साहब अपने प्रचारक दौरियां ते उधर गए तो गुरु साहब की भी उन्हां नाल मुलाकात हुंदी आ, ते गुरु साहब भी मतलब उहदी तारीफ करदे आ, उसनू फकीर मौला आके नवाजिया करते सन। शाह दौला का एक चेला सी जहांगीर, वह गुरु साहब के नाल फौजा हथियार सिख सेवक तो शाही ठाठ बाठ नू वेख के बहुत हैरान होया, क्योंकि वह आप एक फकीर दे भेस विच रहिंदे सन, तो उन्हू ये बड़ा अजीब जहा लग्या भी एक धार्मिक आगू हो के इदा शाही ठाठ बाठ दे विच रहिंदे आ, अते गुरु साहब का विआह होना संतान वाला होना उस लई होर भी हैरानी का कारण सी। उहदे विचार अनुसार अजिहा व्यक्ति भाव छेवें गुरु वर्गा व्यक्ति कोई रूहानी आगू नहीं हो सकता, इसलिए उदों उहदे कोलों ये बर्दाश्त ना होया, चुप ना रहा गया, अते वह गुरु साहब नूं आखन लगा जिहड़े उहने गल्लां कहीआं बोल कहे वो इस तरह सन, हिंदू क्या ते पीर क्या, औरत क्या ते फकीर क्या, दौलत क्या ते त्याग क्या, लड़के क्या ते बैराग क्या, आरफ क्या ते दुनियादार क्या, मजहब क्या ते सच क्या, पुजारी क्या ते सवाब क्या, मारूथल क्या ते आब क्या। ये हुण रचना किहदी है इहदे बारे मैं जिहड़े थोड़े जिहा अपना रिकॉर्ड देखिया अपने सिख परवाड़ी मैगजीन वगैरह उन्हां विचों मैनूं इहदे बारे कोई जानकारी नहीं मिली भी ये किहदी रचना है, ये वाकई उस फकीर दे बोल है जां होर किसे ने रचना कीती है, लेकिन जो रिकॉर्ड ते है उहदे मुताबक मैं अपनी सारी गल बयान कर रहा। सतगुरु जी मुस्कुरा पए, जो भी उन्हें स्टेटमेंट दिती, जो भी उन्हें सवाल जवाब किए गुरु साहब नाल, ये सुन के गुरु साहब मुस्कुराउण लग पे ते समझ गए कि जहांगीर नूं अपने फकीर होण दा बहुत माण है, हंकार है, उहदे शंकियां नूं निवृत्त करन लई गुरु साहब जो कहा जाता है कि गुरु साहब ने उन्हां नूं ये जवाब दिता जो उन्हें सवाल खड़े किए गुरु साहब से, उन्हां दा जवाब गुरु साहब ने इस तरह दिता, मीरी रब दा दान, जो औरत है वह ईमान है, दौलत गुजरान है, पुत्र निशान है, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान,
आरफ विचार मजहब सुधार पुजारी आचार मारू थल में जल कुदरत करतार। ते अगे जो इहदा आपां जे संखेप दे विच देखिए तां सतगुरु जी ये कुछ कहन तो भाव सी कि जो मीरी है ये शाही ठाठ बाठ ये धार्मिक अगवाई प्रभु दियां दातां हन। ये मैं कोई आप नहीं धारण कीतियां जान बुझ के जां आपां जिवें नोइंगली कह दिंदे हां ये तां मेरे मालक परमात्मा दियां दातां हन। पत्नी है जो ओ औरत संजम दा रूप है ईमान दी राखी है दौलत गुजारे वास्ते है संतान मेल जोल किदां रखना है मेल जोल दा चंगा तरीका सिखाउंदी है विचारवान होण लई आरफ विद्वान होना पैंदा है विद्वान बनना पैंदा है अते कुरीतियां नूं खत्म करन लई है पुजारी नूं उच्चे आचरण वाला होना चाहिदा है अते मारू थल विच जलदा होना भाव संसार विच अध्यात्मकता दा होना ये प्रभु दी खेड है। सो ये जवाब सुन के जिहड़ा शाह दौला दा चेला सीगा जहांगीर वह गुरु साहब तो बहुत प्रभावित होया अते ये बचन सुन के वो जो जहांगीर सी वह गुरु जी का मरीज बन गया। सो ये जो भी जिनी कि मैनूं जानकारी मिली है मैं आप जी दे नाल सांझी कर सकें। अगर कोई भुल चुक हुई होवे तां दास खीमां दा जाचक है जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। धन्यवाद वीर किकर सिंह जी आप जी ने बड़े अच्छे तरीके दे नाल ये जिहड़े सानूं समझाया और उहदी बैकग्राउंड भी दसी है। तो संगत जी मैं बेनती करदे आ कि जिस वेले भी कोई नवीं चीज़ हुंदी है ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ ਕਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤ। ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਨਣਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਆਓ ਸਤਸੰਗੀਓ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸਟਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ USA। ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਵੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਇਸ਼ਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਕੁਛ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮੂਤ ਕਰ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਹਿਰਾਸ ਜੋ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਹੁ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦੂਸਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਜਨ ਕੋ ਆਏ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ ਗੌੜੀ ਕੀ ਗੌੜੀ ਮਲਾ ਚੌਥਾ 305 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 886 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਦੀਵ ਦੇ ਭਾਵ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 966 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਹੱਸ ਰਾਸਤ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਹੱਸਯ ਗੂੜ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਾਰਸੀ ਰਾਹ ਰਸਮ ਮਰਿਆਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਤਮ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਯਥਾ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਔਰ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ 938 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਹਨ ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੋਦਰ ਸੀ ਔਰ 10 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਇਸਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋਂ ਗੁਰਪਾਸ ਅਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋ ਇਹ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸੋ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੀ ਉਹ ਇਹੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੋ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ
तो रहरास दे पाप जड़े यही हैं और एदा जो उच्चारण है रह रास है सिद्धा रारा नू करना सस्य नू स्यारी तो रह रास एदे अर्थ जड़े हैं प्रोनंसिएशन बनता है आस है जिन्ना वीरां पैना ने सवाल पूछा उन्होंने इसका जवाब जड़ा है वो मिल गया होगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी ने वक् वक् जिहड़े इस शब्द के अर्थ ने भी सानू दसे ने और जो गुजरी राग विच शब्द उच्चारण शब्द आउंदा है रहरास उहदा भी उन्होंने रैफरेंस दिता है। तो उंज भी जिवें वीर जी ने दसिया इहनू रहरास पढ़ना है। आम तौर पर देखिया सी रहरास पढ़दे जदकि सिहारी सस्से नूं है हाहे नूं नहीं है तो सस्से नूं सिहारी होण करके रहरास बनता है रह। हालांकि रहरास उच्चारना थोड़ा जिहा ना कंफर्टेबल है ना सौखा जिहा ते राह रास कहने लिए थोड़ा जहा पर जिहड़ी चीज़ असी अपने अभ्यास विच लै आईए वह फिर औखी नहीं होंगी। तो और दूजे पास ये भी है भी जिहड़े साढ़े जबान ते कोई शब्द चढ़े होंगे ने असी उन्होंने अगर करैक्ट करने की कोशिश नहीं करते तो उस तरह वो तुरे रहिंदे ने। और एक होर है कि जिहड़े शब्द सौखे होण ना जी सौखे शब्द होण ते उन्हूं अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल असी उन्होंने थोड़ा जहा प्रोनाउन ठीक नहीं करते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਜਾਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਰਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਬੋਲੀਏ ਦਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲੁਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਲੰਤ ਪੈਰੀ ਹਾਹਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਗਾ ਨਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਉਹ ਨਾਨਾ ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਮਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਖੁਲਾਸ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸਲ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਨਿਚਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ ਨਵਾਂ ਮਾਣਕ ਲੱਭੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭੀਏ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੋ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਜੋ ਹੁਲਾਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੋ ਆਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨੰਤੀ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
शब्द बेनती ते बेनती दे अर्थ इको हन कि अंतर है। तो दूसरा पार्ट उन्होंने शब्द सवाल का है जी साहब जसबीर सिंह के सवाल का कि साहबंग का उच्चारण की है जिवें मूल मंत्र जी आता है सस्से नू दुलैंकड़ और पब्बे नू बिंदी सॉरी तिप्पी तो यह उच्चारण सही उच्चारण की है। तो ये दोनों जड़े शब्द ने इन्हों उच्चारण या इन्हें अर्थों की फर्क है ये मैं वीर प्रभ बेनती कर रहा वीर प्रभ कीर्तन सिंह जी ने आओ जी कृपा करो ये बारे सानू जानना पाओ। हाँ जी वीर जी का जो सवाल है बेनती ते बेनती ये दोवां शब्दों के अर्थ इको ही हैं अर्थां विच कोई फर्क नहीं है ये सानू समझ लेना चाहिए है लेकिन ये अर्थ एक नहीं हैं ये अर्थ दो सेंसेस दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच वरत्या गया है। ये एक तो इनू अर्ज की सेंस वरत्या गया जिवें उर्दू दे विच जिवें असी कोई गल कहनी हुंदी है ते असी कह दिंदे आ कि मेरी अर्ज सुनो भाव मेरी गल सुनो तो इस तरीके नाल भी वरत्या गया है। तो निम्रता विच जदों बेनती की जाती है अरदास की जाती है जिवें आपां कहिंदे आ कि गल विच पल्ला पा के असी गल करनी हुंदी है उस सेंस दे विच वरत्या जाता है वह भी इहदा एक अर्थ है। तो इहदे विच भी इहदे वेरिएशनज भी काफ़ी मिलदियां हन आपां नज़र मार लईए क्योंकि भाव इको ही है पर इहदे स्पैलिंग्स कई मिलते हैं सानू। सब तो पहला तो असी एक एग्जाम्पल लईए भट्टां दे सवैयां दे विचों भट्ट नल जी का सवैया जो 1399 पन्ने के उत्ते दर्ज है जो गुरु गुरु अहनिस जपै दास भट्ट बेनत कहै। तो इत्थे उन्होंने बेनती इन्हां अर्थां दे विच ही वरत्या है लेकिन बेनती दे स्पैलिंग जिहड़े हन उह तत्ते नूं सिहारी पा के ते बिहारी का उच्चारण इत्थे खत्म हो गया तो इहनूं असीं बेनत पढ़दे हाँ। तो इसे तरह ही बाकी थावां दे उत्ते बेनती लफ्ज़ ही आया है ये बहुत घट वरत्या गया है। उदाहरणा मैं कह दिना जो निम्रता दे विच कहना हुंदा है किसे नूं गल कहनी हुंदी है निम्रता दे विच मतलब बेनती एक तो हुंदी है जो अर्ज करनी है या असी एप्लीकेशन देने हाँ बेनती करते हाँ रिक्वेस्ट करते हाँ अपनी कोई कि मैनूं यह दिता जाए या कुछ इस तरह की अर्जी हुंदी है पर जदों असी गल सिर्फ कह रहे हुंदे हाँ प्रणवै नानक बेनती तू सरवर तू हंस इत्थे सतगुरु जी का भाव है कि मैं निम्रता दे विच ये गल कह रहा हाँ कि तू सरवर तू हंस ये पन्ना 23 दे उत्ते श्री राग दे विच गुरु नानक साहिब जी का बचन है। इस तरह ही अगे भी होर भी कई थावां दे उत्ते वरत्या गया है नानक कहै बेनंती हों तिनकै लागां पाए हों लागां तिनकै पाए ये पन्ना 601 दे उत्ते है। इस तरह ही पन्ना 818 दे उत्ते है नानक की बेनंती आ मैं तेरा जोर। तो जिवें आपां देखिया कि चार इहदे उच्चारण हन एक बेनत है एक बेनती है एक बेनंती है तो फिर बेनंतिया की शकल च भी आ गया है। इहो जिहियां होर भी उदाहरणां सानूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अनेकां ही मिलदियां हन। तो जिस तरह है पाए लगौ मोहे करो बेनती को संत मिलै वडभागी इस तरह ही है अगे नानक की बेनंती आ कर कृपा दीजै नाम सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंती आ। तो फिर ये फर्क क्यों पैंदे हन ये फर्क अर्थ इको होने के बावजूद भी इन्हां दे अर्थ इको होने के बावजूद भी इन्हां दे रूप फर्क हो जाते हैं। जदों कोई तीबर भावना बड़ी प्रगट करनी जाती है तो ही शब्दों का रूप कई बार बदल जाता है पर आम तौर दे उत्ते जदों छंदाबंदी की बंदिश होंदी है मात्रावां की गिनती के मुताबिक छंदा की बनतर होंदी है एक चंगा कवि अपने शब्दों नूं उहदे मुताबिक ढाल के वरतदा है। तो इस तरह भावनावां का भी कई थावां इस तरह जिवें कि मैं दस रहा सी कि जिस तरह तीबर भावना नूं प्रगट करन लई शब्दां दा रूप बदल दिता जांदा है पर आम तौर दे उत्ते छंदाबंदी दी जिहड़ी बंदिश हुंदी है उहनूं पूरा करन लई कि मात्रावां जिहड़ियां ने उह पूरियां होण शब्द दा रूप छोटा या वड्डा कर दिता जांदा है। तो इहनां दे अर्थ इको ही हन पर जो रूप दिता गया होवे जिवें बेनती है बेनंती है
बेनती है या बेनत है सानू उचारण उदे मुताबक ही करना चाहिए है। तो दूसरा पाठ सी क्वेश्चन दा कि सह भंग दा उचारण की है। तो सह भंग जड़ा है इहदा उचारण करन लग्या सह दा उचारण तो स्पष्ट ही है, पर जदों भंग दी गल करदे हां तां जिवें असीं आम तौर दे उत्ते शब्द वरतदे हां कि शांति भंग हो गई या इस तरह दा असीं अखबारां दे विच या न्यूज़ दे विच सुणदे हां, तो उत्थे उसे तरीके नाल ही करना है। सिर्फ जिहड़ा गग्गा अगे बोलिया जांदा है ओह नहीं बोलना, भंग बोलना है सह भंग। तो गग्गा पूरा नहीं बोलना, गग्गे की टच थोड़ी जी जरूर हो सकती है। ये शब्द जिहड़े हन ये आम तौर दे उत्ते संस्कृत दे नाल जिहड़ी रूट हुंदी है ओह जे शब्दां दे विच इस तरह हुंदा है, जिवें असीं जाप साहिब दे विच वी पढ़दे हाँ नमस्तं, या इसे तरह ही त्वंग भी आंदा है। खास करके जिहड़े संस्कृत दियां सहस्कृति दियां बाणियां दियां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज हन जिन्हां दी शब्दावली ओह वाली, उहदे विच शब्द आम वरते जांदे हन। जिवें आसा जी दी वार दे विच एक श्लोक है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ांगा, आप सारे जाणू हो, जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्रह्मण। इसे तरह ही जदों असीं सहस्कृति दी बाणी दा उचारण करते हाँ उहदा पाठ करते हाँ ते उहदे विच बहुत सारे लफज इहो जिहे आउंदे हन जिन्हां दे अंत उत्ते टिप्पी पाई जांदी है। इह स्टाइल जिहड़ा है इह संस्कृत नाल रिलेटिड है ते सानू इहदा उचारण भी उसे ढंग नाल ही करना चाहीदा है। जिस तरह के एक शब्द है उहदे विच जिहदे विच बहुत सारे लफज इस तरह के वरते गए हैं, शब्दंग रतंग हितंग माया कीर्तंग कली कृतवा मिटंत तत्रागत परम मोहंग भगवान रमणंग सर्वत्र थान्यंग दृष्ट तोयंग अमोघ दर्शनंग बसंत साध रसना हर 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 हरे नानक प्रयंजाप जपना। तो ये जिवें तुसी नोटिस किया होएगा कि अनेकां लफजां दे विच जिहड़ा अंत दे उत्ते टिप्पी दा वरतों की गई है, रतंग हितंग कीर्तंग मिटंत मोहंग, ये सारे शब्दों का उचारण इसे ढंग नाल ही करना है। तो ये असल दे विच जिहड़ियां शब्दों की रूट संस्कृत दे विच्चों हुंदी है उन्होंने नाल इस तरह किया जाता है। आस है कि सवालकर्ता नूं इहदा जवाब मिल गया होगा, भुलां चुकां दी खिमा जी। जी प्रभकीर्तन सिंह जी, तुसी काफ़ी घुंडियां जिहड़ियां खोलियां ने, जिवें ये शब्द जिहड़ा चार रूपां जांदा है, तो फिर इहदे किस तरह उच्चारण करना है वह भी आप जी ने दस्सिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरा जिहड़ा शब्द सी सहबंग उहदे बारे भी आप जी ने चानना पाया। तो संगत जी ये बेनती है कि जिन्हें भी यह सवाल किया हैगा, ये बड़ी खुशी की गल है कि साढ़े अंदर क्रियास्टी होनी चाहिए है भी फलाना जिहड़ा शब्द है ये अर्थ की ने, ये उच्चारण की है। ये इस तो पता लगता है कि असी गुरबाणी नू समझण दा यतन कर रहे हैं। हरेक प्राणी नू बेनती है कि गुरबाणी समझ समझ के सहज सहज दे नाल, जिवें ना ही सहज पाठ है, सहज सहज नाल करिए, समझ समझ के करिए, ते सानू बहुत इहदे चों हीरे मोती जिहड़े ने उह लभणगे। तो संगत जी, एक मैं जरूरी बेनती करनी है ये कि असीं गायब गाए बेनती कर रहे हाँ कि संगत की जिहड़ी हाजरी है वह घट रही है, बजाय वधण दे ना वह घट रही है। दुनिया तो मतलब अभी अगे अगे दौड़ी जाती है, तो साड़ी हाजरी साढ़े नाल नहीं दौड़ रही। ये आप सब का सानू हाथ चाहिए, तो सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा कर, क्योंकि असी जिथे आप बाणी सीखनी है दूजियां नूं सिखाउणी। तो मेरी ये सुझाव है, बेनती भी है कि जिहड़ा भी सज्जण किसी नवें भैन भरा नूं प्रेर के लियावे, वह जिस वेले सवाल जवाब तो पहले असी इंट्रोडक्शन करते हैं, तो इंट्रोडक्शन सैशन दे विच जिहड़ा भी भैन भरा किसी दूजे नूं नाल लैके आउंदा उसकी इंट्रोडक्शन आप करावे तो वह ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यह मेरी बेनती है कि जोड़ो होरां भैणां भरावां, और जिहड़ा भी लैके आवे उसकी संगत विच इंट्रोडक्शन आप करावे, जिवें असीं पुछदे हाँ वह अपना सैशन तो बाद अपना हैंड रेज करके अनम्यूट करके हैंड रेज कर लैन, तो वह दसण कि मैं फलाने नूं इंट्रोड्यूस कराना है, तो उन्हां दी इंट्रोडक्शन देन तो वह चंगा लगेगा। तो मैं फिर बेनती करदे हाँ कि इहनू आपां थोड़ा जिहा सीरीयसली लईए, ते तां जे गिनती जिहड़ी है जिहड़ी 100 तों रोल बैक हो के हुण 17 ते आ गई है, ते इहनू कृपा करके थोड़ा जिहा अगे लिजाण दी कोशिश करिए। तो यह मेरी बेनती है प्रवान करना जी। तो आओ संगत जी आपां
एक सवाल होर लैने अगला क्योंकि साढ़े को अजे 10 मिनट हैं। सवाल यह है कि कुछ विद्वान इतिहास की जानकारी दसन लगे पटवेगियां का जिक्र करते हैं तो पटवेगियां का सिख इतिहास से की प्रभाव है। मैं बेनती करांगा वीर हरजीत सिंह जी कि विषय तो बड़ा गुंझलदार से लंबा है पर सानू ये बारे कुछ इंट्र जी जानकारी सानू अज दे पटवेगियां का। वीर हरजीत सिंह वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। पटवेगियां की गल करन तो पहला भट्टां बारे थोड़ी जी जानकारी सानू होनी जरूरी है। ज्ञानी गुरदित सिंह जी चंडीगढ़ वालिया ने एक मंथली मैगजीन आलोचना छपदा सी 1961 दे अगस्त दे परचे दे विच भट्टां दे बारे कुछ गल्लां लिखियां हन। पंजाब दे भट्ट ये जात दे सरस्त ब्राह्मण सन। ये अपनी उत्पत्ति कोशिश ऋषि तो दसदे हन। उच्चियां जातां दे ब्राह्मण भट्टां नूं अपने नालों नीवीं जात दे ब्राह्मण समझदे सन। ये लोग सरस्वती नदी के किनारे के कंढे के उत्ते वसदे वसे हुए सन। यह नदी पहला पहोवा जो हरियाणे के विच अज है जिला करनाल अजकल जिला कुरुक्षेत्र है दे कोलों दी वगदी सी। जिहड़े भट्ट नदी के उरले पासे वसदे सन उस रुस्त ते जिहड़े परले पासे वसदे सन वह गौड़ ब्राह्मण अखवाउण लग पए। उन्हां नूं गौड़ ब्राह्मण कहा जाता सी। ज्ञानी गुरदित सिंह जी ने भट्टां दी जो वंशावली है वह भाई संत सिंह जी दे पासों मिली हुई जिक्र करदे हां। उन्हां अनुसार पिंड संत सिंह जी दे भाई पिंड कर सिंधु पिंड है जींद दे विच हरियाणे दे विच उत्थों दे रहण वाले सन। सुल्तानपुर पादसों परगना लांडवा जिला करनाल ते तलोंडा परगना जींद विच सरस्वती नदी दे कंढे ते पिंडां च किन्ने भट्ट रहिंदे सन। जो उत मैं लफ्जा लफ्ज वही वरत रहा हाँ जेडे लफ्ज उन्हां दीआं मईआं विच लिखे हुए हैं। इन्हां ही भट्टां दे नाल कुछ खानदान यूपी दे विच ते कुछ मध्य प्रदेश विच भी जाके बस गए। कुछ सहारनपुर ते जगाधरी दे इलाके दे विच भी ये भट्ट रहिंदे सन। इन्हां सभनां भट्टां दे पास वहीआं हुंदीआं सन। वहीआं हुण भट्टवीआं दी गल असीं करांगे पर इन्हां दे वहीआं हुंदीआं जिन्हां उत्ते उह अपने जजमानां दी वंशावली जिहड़ी लिखदे सन। भाई संत सिंह जी दी वही जिहड़ी उहनूं पंजाब वाली वही आम कहा जांदा सी जिसनूं मोहरां वाली वही भी दे नां नाल भी जाणिया जांदा सी। उहनां दे अनुसार भट्ट पिखा अते टोडा भट्ट ये रईए दे पुत्तर भाव सक्के भरा सन। उस वही तों पता लगता है कि ये भट्ट सुल्तानपुर दे रहण वाले सन। जिहड़ी वंशावली है ये भट्ट भगीरथ तों शुरू हुंदी है। भगीरथ तों नौवीं पीढ़ी च भट्ट रईआ जाके अगे हुंदे ने जिसके 6 पुत्र सन भट्ट पिखा भट्ट छीखा भट्ट तूखा भट्ट गोखा भट्ट चौखा ते टोडा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच जिहड़ा भट्टां दी बाणी दर्ज है उहनां विचों मथुरा जालम तीरथ ये 3 भट्ट पिखे दे पुत्र सन। भट्ट सल ते भट्ट पल ये 2 भट्ट पिखे दे छोटे भरा शेखे दे पुत्र सन। भट्ट बल पिखे दे छोटे भरा तूखे दे पुत्र सी। भट्ट हरबंश पिखे दे भरा गोखे दा पुत्र सी। भट्ट कलसहार ते भट्ट ग्यंद भट्ट पिखे दे भरा चौखे दे पुत्र सन। भट्ट रईए दे 2 पोतरे जिहड़े भट्ट कीरत ते जिहड़े सी सिंह सज गए। हाँ हुण गल जिहड़ी शुरू होंदी भट्टवीआं दी। पिखा भट्ट गुरु अमरदास जी दे वेले सिख बनिया सी। गुरु अमरदास जी दा सिख इहनूं कहा जांदा पंजाबी पीडिया दे विच वी इह गल जिहड़ी है इह मिलदी है। जे असीं पंजाबी पीडिया नूं खोल के वेखदे हां तां उत्थे वी गल मिलदी है। भट्ट वहीआं दी जिथों तक गल है भट्टां द्वारा अपने जजमाना दे खानदानी ब्यौरां लई तैयार कीतियां जाण वालियां किताबां नूं वहीआं कहा जांदा सी।
क्योंकि भट तैयार करते सन इस करके किसी नूं भट बीआं कहा जाता सी। सिख इतिहास में भट बीआं दे बहुत सारे हवाले मिलते हैं क्योंकि ये लोग गुरु साहिबान दे मुख केंद्र गुरुधामां दे नेड़े गुरु अर्जन देव जी तो लैके विचरते रहे। भट भिखा जी की मैं पहला जिक्र किया कि यह गुरु अमरदास महाराज तो ने सिखी धारण की, पर भट उस वेले तक बाकी भगत गुरु की शरण में नहीं सी आए। बाकी भट्टा का जिहड़ा जिक्र मिलता है गुरु अरदास महाराज के ज्योति जोत समाउण दे वेले मिलता है। गुरु अर्जन देव महाराज के गुरगद्दी ते बैठण दे समय का जिक्र मिलता है जदों भट्टा ने जिक्र किया। इसका मतलब यह है कि गुरु अर्जन देव जी तो पहला का जो बहियां हैं या होर लिखे हुए जो भट्टा के किताबा हैं वो उन्होंने गुरु काल के आने तो पहला दी लिखिया हुई मिलती हैं, जिथे अथेंटिसिटी जी है उसते पूरी तरह विश्वास भरोसा जरा नहीं किया जा सकता। तो भट लफज जरा संस्कृत भाषा का शब्द है, ये उन्होंने वरत्या जाता सी जेडे अपने जजमाना की सेवा च रेंदे सन। उसकी सिफत के बिरदावली लिखनी पढ़नी भट्टा की सही जानकारी जी सू मिलती नहीं है, जो पिछोकड़ असं पूरी जानकारी लीए। पर कई पछमी विद्वान जोड़े वैसटर्न ऑथर है भट्टा पतत ब्राह्मण भी कहते हैं। कईयों की यही धारणा है कि ये सरसों की नीरे के कंडे के होने करके सरसों की ब्राह्मण कहते सन। ये अक्सर राज दरबारों के रेंदे युद्धा दे राजा द्वारा जिहड़ियां प्राप्तियां कीतियां जांदियां सी उन्हां दीआं कथावां नूं राजा नूं सुणाउंदे ते प्रजा नूं सुणाउंदे ते मसला सिर्फ पिछे पैसे दा हुंदा सी ते पैसा इकट्ठा करना हुंदा सी। इह लोक कविता दी रचना आप बहुत घट करदे सी, अक्सर दूजिआं दी सिरजी कविता नूं गा के जजमाना तों दक्षिणा लै लैंदे सी। पर गुरु काल विच जिहड़े भट आए उन्होंने जिहड़ी सिफत कीती उह आप कीती, उह रचना उन्हां दी अपनी है, उहदे विच कोई शक नहीं कीता जा सकदा। तो जिहड़े भट्टां दे सुइयां दे दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब च आउंदा है वह गुरु अर्जन देव महाराज ने आप दर्ज किए हैं। तो इन्हां भट्टियां दे विच ये गल कह देनी भी ये हवाले जिहड़े 100% ठीक होणगे ये गल मन्नी नहीं जा सकती। सर रतन सिंह जग्गी जिहड़े पंजाबी यूनिवर्सिटी दे उन्होंने जो ये बारे लिखिया उहदे च उन्होंने काफ़ी गल डिटेल भट्टां बारे दित्ती है कि ये भट्टियां भट्ट अक्षरी विच लिखिया जांदियां सन। इन्हां नूं लभण दा उद्यम ज्ञानी गर्जा सिंह ने किया, इन्हां दे गुरमुखी उतारे किते जो हुण पंजाब हिस्टोरिकल स्टडीज जिहड़ा डिपार्टमेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी च है उहदे च पे होया। इन्हां विचों समें दीआं तिन तरीकां थावां घटनावां बारे जानकारी मिलती है। फिर मैं बेनती करदे हां कि भट्टियां दा हवाला देना अथेंटिसिटी के उत्ते पूरी तरह असी विश्वास नहीं कर सकते। हाँ भट बहियां विचों गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जंगा युद्धा के जो वर्णन है वह काफ़ी मिलते हैं। इसका मतलब यह है जे असी भट बहियां ते पूरी तरह आधारित कर लीए तो फिर साढ़े इतिहासिक तरीकों के बहुत सारे फर्क नज़र आएंगे। ईवन अकाल तख्त साहब की सिरजना का सन भी जोड़ा है भट्टा के हिसाब के नाल तो काफ़ी फर्क है। तो मेरा ये बेनती है कि भट्टियां एक ऐसा स्रोत तो है इतिहास का, लेकिन इतिहासिक स्रोत जिमें कवि संतोख सिंह का लिखा, सूरज प्रकाश, ज्ञानी ज्ञान सिंह का लिखा, पंत प्रकाश, ये भी इतिहासिक स्रोत तो हैं, पर इन इतिहासिक स्रोतों की जानकारी लैन लई जां इन इतिहासिक स्रोतों नूं पढ़ने लई सानूं हमेशा हंस विरति रखने की लोड़ पवेगी। हंस का काम है दुध का दुध ते पानी का पानी करना, पर जे सानूं गुरबाणी की सोझी नहीं होएगी जां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा बारे जानकारी नहीं होगी तो फिर असी सीना पसीना लिखिया फोकट घटनावां नूं भी गुरु नाल गुरु जी के नाल जोड़ के उन्हां दा मान नहीं सगों निरादरी कर रहे होवांगे। जिन्हां विचों जिवें पंथ जिवें सूरज प्रकाश दीआं घटनावां विचों गुरु अमरदास महाराज के सिर ते किरम चल जाने, इहो जिहीआं घटनावां होर लिखिया हुई ने, बीबी भानी के सुहाग की नत्थ ला देनी, इहो जिहीआं गल्लां लिखियां मिलदियां ने जिहड़ियां गुरु मर्यादा नाल मेल नहीं खांदियां। तो भट बहियां विच वी सानूं इहो जिहीआं चीज़ां मिलदियां हन
ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਭਟਵੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਸੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਅੱਠ ਅੱਠ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਲਟਰ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਗੜ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਦਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ। ਤੋ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿਓ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਔਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।